बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ऑक्सो एब्रीवेटेड एज MOT। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले कुछ बातें आपके जहन में लाजमी होनी चाहिए रिगार्डिंग VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस की, वी गॉट सम एग्जांपल एज वेल फॉर VBT। VBT एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो अनपेयर्ड है आपस में बॉन्ड बनाते हैं, दैट वाज द थ्योरी प्रपोज्ड बाय VBT। जैसे बच्चे आपके पास एच एटॉमिक ऑर्बिटल है, पी एटॉमिक ऑर्बिटल लाइक PX लाइक PY एंड सो ऑन, इसी तरह से डी ऑर्बिटल एज वेल, तो दिस थ्योरी अनएबल टू एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बच्चे आपको MOT बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में नया कंसेप्ट, दैट एटम्स के ऑर्बिटल्स का एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह रहे हो, दीज आर एस PX PY DXY एंड सो ऑन। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो यू नो दैट सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड दे आर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बाय रेफरेंस टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एक तो बच्चे हमारे पास ये बात है कि कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वॉज नॉट इंट्रोड्यूस बाय VBT। सेकेंड वन, दिस थ्योरी अनएबल टू एक्सप्लेन बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात नहीं करते और ये आपको एक्सप्लेन करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, कौन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सप्लेन बाय MOT एज वेल, नॉट बाय VBT। एटॉमिक ऑर्बिटल कंसेप्ट बाय VBT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंसेप्ट एक्सप्लेन बाय MOT। और बच्चे नेक्स्ट बात, ये आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाइक समझते हैं, हमारे पास दो तरह की नेचर आती हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर एंड डायामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक द सब्सटेंस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड आर द सब्सटेंसेस दैट आर पैरामैग्नेटिक एंड द सब्सटेंस विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो आपके रिपेल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड में, दे आर कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। अब इसकी रीजन बच्चे हमारे पास ये है, किसी मॉलिक्यूल में अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर आ जाए तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैरामैग्नेटिक नेचर इन अ मॉलिक्यूल एंड नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे हों, इलेक्ट्रॉन के पेयर कंप्लीट हों, तो पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायमैग्नेटिक। VBT अनएबल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वेयर एज MOT एक्सप्लेन ऑल द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये बच्चे आपको एक्सप्लेन करके देगी, देखो कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। ये बात करती है मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन एज वेल, ये भी हम आज डिस्कस कर सकते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में एक्सप्लेनेशंस। तो बच्चे दैट वाज द बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT एक्सप्लेन वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, ये एटम्स को वेव मैकेनिक्स में ट्रीट करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि आपके एटम जो हैं ये आपके वेव्स के फॉर्म में मूव कर रहे हैं, लाइक आपने वेव्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये आपके वेव्स के फॉर्म में मूव करते हैं हैविंग टू लूप्स। डिस्कस अबाउट द बेसिक पास्टुलेट्स, ये आपको बड़े ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं। फर्स्ट वन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बात कर चुके हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, अपने बच्चे बात की आपके एस ऑर्बिटल, PX ऑर्बिटल, PY ऑर्बिटल, PZ एज वेल, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कंसेप्ट है। सेकंड पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन जी, एक को नाम देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज ऑर्बिटल्स हैव लो एनर्जी। मैं भी साइड डायग्राम बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, इसके पास नोट कर लें तो उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। लो एनर्जी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें आपके ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं और पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो सिग्मा एंड पाई बोथ आर इंक्लूडिंग इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज ऑर्बिटल्स हैव हाई एनर्जी। और बच्चे इसमें आते हैं सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, मीन सिग्मा का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार एंड पाई का एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार, ये भी हम डायग्राम में डिस्कस करेंगे विद सम एग्जांपल्स। एक हमने बात की एटम्स की वेव नेचर की, बात हो रही है एटम्स को वेव ट्रीट करते हैं। तो अगर आपके दो एटम्स की वेव आपस में एडिशन ओवरलैप, ये आपकी फर्स्ट वेव है फॉर फर्स्ट एटम, देन सेकेंड एटम्स की वेव हमारे पास, when they are going for addition overlap, जिसको अपने नाम देते हैं constructive interference, उस केस में you got this type of result, जिसमें आपके waves की जो है amplitude that become increase। तो ये आपका बन गया BMO bonding molecular orbital formed by the addition of two waves or constructive interference, these may be sigma or pi। Now second one, अगर आपके दो एटम्स की वेव आपस में सब्ट्रैक्शन मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें, इनको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपका रिजल्टेंट वेव क्या आएगी, दैट इज नथिंग। दीज आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज आर सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। ये दो टाइप्स की होंगी सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। तो ये बच्चों आपसे कंसेप्ट है रिगार्डिंग बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको हम एक और नाम देते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और सब्ट्रैक्शन ओवरलैप। नाउ अच्छा थर्ड पॉइंट, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो किससे बनते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग से। तो वी से नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मींस अगर आपके दो एटॉमिक मिल रहे हैं तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगे, और अगर आपके चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं आपस, चार ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं आपस में, तो आपके चार ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो ये बच्चे वहां पर एक कंसेप्ट है, जितने एटॉमिक मिलेंगे उतने मॉलिक्यूलर लाजमी बनेंगे। इन द लास्ट पॉइंट जी, पॉइंट नंबर फोर, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं उनकी एनर्जी और शेप आपस में सेम होनी चाहिए। द इंटरमिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, बिल्कुल सेम शेप होनी चाहिए, एंड इक्वल एनर्जी, क्योंकि हम लोग बात करेंगे एट दिस लेवल सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम की लाइक H2O2 Cl2 Be2 एंड सो ऑन। तो इसे मैं बात करूंगा इक्वल एनर्जी की, अदरवाइज अगर एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस हो तो भी मिक्सिंग का चांस होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप तो सेम ही होती है ऑलवेज, लेकिन एनर्जी अगर थोड़ी बहुत ही कम ज्यादा हो तो भी इनके मिक्सिंग का चांस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम H2 की बात करते हैं, H2 के इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में एक s का ऑर्बिटल दूसरे 1s के ऑर्बिटल से इंटरमिक्स होगा, तो आप चेक करना दोनों की शेप स्फेरिकल सिमेट्रिकल है और दोनों की एनर्जी 1s 1s की सेम है। तो दिस इज कॉल्ड सेम शेप ऑर्बिटल। इंटरमिक्सिंग किसकी होगी, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जिनकी शेप सेम हो और दोनों का एनर्जी लेवल 1 है, शेल 1 है, तो इनकी एनर्जी भी आपस में सेम है। और अगर हम बात कर लें पी ऑर्बिटल्स के लिए, लाइक अगर हम बात कर लेंगे एटम लाइक फ्लोरीन की बात कर लो, तो फ्लोरीन केस में पी ऑर्बिटल अवेलेबल दैट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन, तो ये पी ऑर्बिटल अपने सेकंड फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल से मिलेगा। तब आपके जहन में आ जाएगा इजीली कि दोनों की शेप सेम है, दोनों पी ऑर्बिटल्स हैं, दोनों की सेम शेप है और दोनों की एनर्जी भी इक्वल है, क्योंकि इसका एक पी ऑर्बिटल सपोज पी एक्स ऑर्बिटल उसके पी एक्स से ओवरलैप होगा एंड दैट शुड हैव ऑपोजिट स्पिन एज वेल। तो दैट द कंसेप्ट ऑफ इक्वल एनर्जी एंड इक्वल शेप और सेम एनर्जी और इक्वल एनर्जी। अच्छा अगर मैं इस पूरी बात को एक डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो आपको समझाने के लिए काफी आसान होगा, दैट इज
आपके एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहा हूँ, एनर्जी ऑनवर्ड इंक्रीजेस। अब बच्चे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, और बच्चे मिक्स होने के बाद ये बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने जितना कुछ पढ़ा मैं उससे कंसाइज कर रहा हूँ इन ए सिंगल स्टेप। तो अगर आप इसको रिवाइज कर लोगे तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की दो टाइप्स होंगी, हमने डिस्कस किया था अभी अभी। एक बच्चे हमारे पास होंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बच्चे सेकंड होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और हमने कहा था बॉन्डिंग में सिग्मा या पाई होते हैं ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एंटी बॉन्डिंग में हाई एनर्जी सिग्मा स्टार और पाई स्टार। आप चेक कर सकते हो एनर्जी लेवल डायग्राम के लो एनर्जी ऑर्बिटल्स बीएमओ और हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स एबीएम, और ये कैसे बने थे बाय द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एडिशन ओवरलैप बिटवीन द टू वेव्स, और फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिपल्जन की वजह से, सब्ट्रैक्शन ओवरलैप की वजह से वी गॉट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और बच्चे ये बात भी आप जहन में रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो मैं सारे पॉइंट यहाँ पे कंसाइज कर रहा हूँ, तो दो मॉलिक्यूलर बनेंगे, उसमें से एक आपका जाएगा बॉन्डिंग में और एक जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। और अगर यहाँ पर सिक्स ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो आपके बनेंगे सिक्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सिक्स एटॉमिक मिले सिक्स मॉलिक्यूलर बनेंगे। आपको हाफ ऑफ करने हैं, तीन बॉन्डिंग में जाएंगे और तीन एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो अगर आप ये जहन में रखते हो डायग्राम तो आप हर मॉलिक्यूल के डायग्राम को आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी कंसेप्चुअल एंड वेरी इजी डायग्राम। मैं फिर रिपीट कर दूं, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो गए, मॉलिक्यूलर बनाएंगे, कितने बनाएंगे जितने मिलेंगे उतने बनाएंगे, छह मिल रहे छह बनेंगे, तीन मिल रहे तीन बनेंगे, दो मिल रहे दो बनेंगे, और इनमें से जो मॉलिक्यूलर बने हैं उनकी दो टाइप थी, लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जितने मॉलिक्यूलर बनेंगे आपको हाफ ऑफ करने हैं, तीन बॉन्डिंग और तीन एंटी बॉन्डिंग, और अगर दो बने थे एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो अगर आप इस डायग्राम को रिवाइज समझ लेते हो, याद कर लेते हो, तो आप सारे मॉलिक्यूल की एनर्जी लेवल डायग्राम आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो दैट इज द बेसिक थीम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ड्रॉ एमओ डायग्राम, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर सिग्मा एस एंड सिग्मा स्टार एस ऑर्बिटल। हम बात कर चुके जी ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय द लीनियर और हेड टू हेड ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये आपके जहन में होगा सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैप से बनता है। नाउ ड्रॉ डायग्राम, अगर मैं इसको एक रफ स्केचिंग कर दूं लाइक दिस, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी ऑनवर्ड इंक्रीजेस, और बच्चे आपका एस ऑर्बिटल हैविंग स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप। तो हमने कहा था कि दोनों ऑर्बिटल सेम होने चाहिए, जब ये ओवरलैप करेंगे तो हमने कहा दो चांसेस हैं, ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, दो एटम आपस में मिलेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या तो सिग्मा होंगे या पाई होंगे। तो देखिए आपकी एनर्जी लेवल डायग्राम दोनों की सेम एनर्जी है, और अभी आपने कहा था जब दो एटॉमिक मिलते हैं तो उतने ही मॉलिक्यूलर बनते हैं, जिनमें से आधे नीचे आते हैं, मतलब अगर दो मिल रहे हैं तो एक नीचे आएगा और एक ऊपर आएगा। तो ये आपके बने दो ऑर्बिटल्स। अच्छा अगर उनकी डायग्राम बनाते हो देन यू सी, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल एस, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल एस, ये आपस में मिक्स होंगे और ओवरलैपिंग होगी, एंड व्हाट हैपेंस, दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया, दिस वन इज द ओवरलैपिंग एरिया। नाउ व्हेन दे मर्ज, व्हेन दे इंटरमिक्स, these are the overlapping start, and now this is the final diagram where electron density overlapping area is dominating over the whole molecule. तो मतलब आपकी ये बन गया bonding molecular orbital, that is which यहाँ मैं draw कर रहा हूँ। तो ये आपका जी overlapping area है, और this is called sigma s diagram. This is the addition overlap or constructive interference. When these orbitals are going for destructive interference or subtraction overlap, what happens? Electrons repel होंगे, और repel होने के बाद both repel each other and not some distorted shape.
electron moving on this side, repulsion as well. So you got this type of anti-bonding molecular orbitals, and that is called, अगर ये sigma bond बना रहा है तो ये क्या बनाएगा जी, sigma star anti-bonding, that is तो ये बच्चा आपके पास बना बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स सिग्मा एस और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार एस, दीज आर एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और बच्चे लास्ट बात के दरमियान में जो ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड नोडल प्लेन, नोडल प्लेन दैट इज द प्लेन वेयर देयर इज नो चांस, नो प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन। नोडल प्लेन पे इलेक्ट्रॉन का होने का चांस जीरो है, नो चांस टू फाइंड इलेक्ट्रॉन एट द नोडल प्लेन। तो आप क्या सीधे बना सकते हैं कि सिग्मा स्टार एस कंटेन हाउ मेनी नोडल प्लेन, सो दैट कंटेन वन नोडल प्लेन। नाउ यू सी ड्रॉ एमओ डायग्राम फॉर सिग्मा पी एंड सिग्मा स्टार पी ऑर्बिटल। तो बच्चा आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, अगेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ये बच्चे कंबाइन होकर बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और एनर्जी इंक्रीज अगेन ये आपके पी ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल लीनियर ओवरलैपिंग होनी है। आप पहले लेवल्स की सेम लाइन ड्रॉ करेंगे विद पी ऑर्बिटल डंबल शेप, सेकंड पी ऑर्बिटल डंबल शेप एज वेल। तो दो मिक्स हो रहे हैं तो नए कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग में और एक एंटी बॉन्डिंग में। तो लो एनर्जी वाले आपके बॉन्डिंग मतलब सिग्मा पी, हाई एनर्जी वाले सिग्मा स्टार पी एंटी बॉन्डिंग। नाउ बच्चे वन पी ऑर्बिटल एडिंग विद सेकंड पी ऑर्बिटल, इनिशियली ओवरलैप इज देयर, जहां पे ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रही है दैट इज द बेसिक थीम फॉर एमओटी, दिस इज ओवरलैपिंग एरिया। अगर मैं इन दोनों लूप्स को समझने के लिए, कंसेप्ट के लिए अगर मैं इसको यहां से प्रेस कर दूं तो दिस सेंट्रल ओवरलैपिंग एरिया एक्सपैंड, लुक एट दैट, ये बच्चा आपका ओवरलैपिंग एरिया एक्सपैंड हो गया एंड दीज टू लूप्स आर कॉन्ट्रैक्टेड लाइक दिस, सो दिस इज द सिग्मा बॉन्ड और कॉल्ड बी एम ओ एज वेल। दैट यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इज द ओवरलैपिंग एरिया एंड दीज आर द सिग्मा पी ऑर्बिटल्स। एंड नाउ इन पाई ऑर्बिटल व्हाट हैपन व्हेन टू पी ऑर्बिटल्स गोइंग फॉर सब्ट्रैक्शन ओवरलैप और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पे हमने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इस केस में लूप्स रिपेल होंगी। एंड नाउ वन मूव अवे, दिस वन इज स्मॉल, इट इज कंप्रेस्ड, दिस इज स्मॉल, दिस वन इज एक्सपैंड हियर एज वेल, दैट इज। तो ये बच्चे आपके बने सिग्मा स्टार पी ऑर्बिटल्स। अच्छा इसमें एक बात का ध्यान रखना है, आपको यहां पे सिग्मा पी एक्स कह दे, पी वाई कह दे, पी जेड कह दे, जो मर्जी कह दे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो डायग्राम आपकी सेम रहेगी। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपको कहता है जी पी एक्स ऑर्बिटल, तो यहाँ पे आप लिख दो सिग्मा पी एक्स और सिग्मा स्टार पी एक्स, अगर इसको ये जेड कहता है तो आप यहाँ लिख दें सिग्मा पी जेड एंड सिग्मा स्टार पी जेड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, लेकिन लीनियर बॉन्ड के डायग्राम, सिग्मा बॉन्ड के डायग्राम तो हमेशा सेम रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ एमओ डायग्राम फॉर पाई पी एंड पाई स्टार पी ऑर्बिटल्स। तो इसमें आप क्या करेंगे, यू नो दैट पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द पैरेलल ओवरलैप और साइडवेज ओवरलैप, पैरेलल और साइडवेज ओवरलैप बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड की डेफिनेशन है। अगर मैं इनकी एमओ डायग्राम ड्रॉ करता हूं, देन वी राइट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनर्जी लेवल इंक्रीज, डायग्राम फॉर द पी ऑर्बिटल दैट इज योर परपेंडिकुलर, सेकेंड पी ऑर्बिटल इज द सेम विद द सेम एनर्जी लेवल, सेम शेप एज वेल। तो हम बात कर चुके सेम शेप और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप होंगे, और दो मिल रहे हैं तो दो नए बनेंगे, वन ऑफ देम हैविंग लो एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, अदर ऑफ देम हैविंग हाई एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बच्चे आपकी एनर्जी लेवल डायग्राम, नो जिसका कंसेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आपके दो पी ऑर्बिटल एडिशन ओवरलैप करेंगे आपस में, तो आपके रिजल्टेंट वेव इनिशियल ओवरलैप कैसे होगा, दीज लूप्स आर इंटरमिक्सिंग
overlapping area. And now at the end, this overlapping area dominate to the whole molecule. तो ये आपकी nodal plane और this is the p orbital overlapping. That is called bonding molecular orbital. That is, ये बच्चा आपका nodal plane बना. This one is pi p means bonding molecular orbitals having low energy. When they are going for the subtraction overlap, then आप क्या करेंगे जी? ये आपका p orbital, second p orbital. These loops repel each other, and what happens? You got one loop here, second loop here. सारे दूर दूर हो जाएंगे repulsion की base पे. तो आपके पास बने two nodal planes, one nodal plane and second nodal plane. That is. This is the pi star p orbital or anti bonding molecular orbital having two nodal planes. तो चलिए आपके क्वेश्चन आ जाएं इन द एग्जाम के हाउ मेनी नोडल प्लेन्स आर प्रेजेंट इन सिग्मा पी ऑर्बिटल्स. दब के जहन में आ रहा है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात हो रही है. तभी आपने इसकी डायग्राम ड्रॉ की है कि आपके टू पे ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे थे और ये मिक्स होने के बाद ओवरलैप होंगे, फिर एक्सपेंशन होगी. तो आपने भी डायग्राम बनाई थी, इनकी डायग्राम कुछ ऐसे बनती है. दिस इज here we say this is the one nodal plane and this is the second nodal plane. So answer is there are two nodal planes in sigma p orbitals. Ab se question dekh sakte hain how many nodal planes are there are present in sigma star p orbitals. Ab aap kya karenge ji, anti bonding aap kaise draw karoge? These two loops are repelled, this two as well, got this type of structure. Now the nodal planes are one nodal plane, second nodal plane, third and fourth. So there are four nodal planes. So अब आपने discuss करना है जी bond order. Formula for bond order is that is bond order equal to number of electrons in bonding molecular orbitals. अभी हमने discuss किया details से minus number of electrons in एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय टू. नाउ हियर वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन जी हम नॉन डिस्कस कर लेते हैं. लाइक आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन. तो आप क्या करेंगे जी, स्ट्रेट अवे आसान सा कंसेप्ट, आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो. बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, ये आपका नंबर ऑफ बॉन्ड बताता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताता है. बॉन्ड ऑर्डर से जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, नंबर वन जी बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ. कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है, तो ये आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा. इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ. ये आपको बॉन्ड लेंथ की इन्फॉर्मेशन देगा. जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती जाएंगी. तो ये बच्चे हमारे पास डिफरेंट वेज होंगे बॉन्ड ऑर्डर के लिए. और थर्ड बात ये आपको बताएगा नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम. तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स इन मॉलिक्यूल. डिटेल इंफॉर्मेशन थी हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर से लिंक्ड है. आप थोड़ा सा बच्चे टेक्निकली देखना होगा इसको. ये बच्चे ओ एटम है, ग्रुप नंबर सिक्स में आता है जी हमारे पास ऑक्सीजन एटम. अगर आप इसी कॉन्फिगरेशन देखते हो तो वी नो दैट वी गॉट 1s2, 2s2 एंड 2p4. तो बच्चे इसके p स्ट्रक्चर में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसे कह सकते हैं p4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो आप चेक करना, आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, वी हैव टू ओ एटम्स. तो इसका मतलब हुआ कि वन ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में चार इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड एटम के भी चार इलेक्ट्रॉन, टोटल बच्चे बने आपके 8 इलेक्ट्रॉन. अब जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो बच्चे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकालने का आसान तरीका ये है कि आपके पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो पी ऑर्बिटल के मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन माइनस आप 8 में से 6 माइनस कर दें, पीछे बच्चे आपके 2 जो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे डिवाइडेड बाय 2. तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने की. इसका मतलब हुआ कि ओ एटम का बॉन्ड 2 मींस देयर आर 2 कोवलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. कुछ तक ऐसा क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो
in oxide ion O2 minus 1. 1p orbital of oxygen contain 4 electrons. Second p orbital also contain 4 electrons. और minus 1 mean orbital electron add करो. टोटल बच्चे बने 9 electrons. Now you find bond order. अब आप कैसे निकालोगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग p ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो p में आते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन माइनस g. एंटीबॉन्डिंग कैसे निकालते हो, टोटल में से बॉन्डिंग के माइनस करें तो 9 माइनस 6 दैट्स इक्वल टू 3. ये एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने का पैटर्न है, डिवाइडेड बाय 2. तो अच्छा आपका आंसर आया 6 माइनस 3 दैट्स इक्वल टू 3/2 मींस 1.5. दैट शोज बॉन्ड स्ट्रेंथ. तो हम यहीं पर कंपेयरिंग कर लें O2 प्लस 1 की, तो आप चेक करना अगेन बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, आप पहले इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लो, ऑक्सीजन P4, तो बच्चे एक ऑर्बिटल P में 4 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के भी 4 इलेक्ट्रॉन है, चार्ज प्लस 1 तो आप एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे तो ये बच्चे आपके बने टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 1 7. बॉन्ड ऑर्डर पी में बचे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, पीछे बचा 1 7 में से, और डिवाइडेड बाय 2, तो योर आंसर इज 5/2 दैट्स इक्वल टू 2.5. ये इसका बॉन्ड ऑर्डर. अगर आपके क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलोइंग O2 O2 minus 1 O2 plus 1, तो बच्चे आप चेक करोगे मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर दैट इज O2 प्लस 1 2.5. इट मींस O2 प्लस 1 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू, अच्छा ऑक्सीजन का 2 है और ऑक्साइड नेगेटिव आयन का 1.5, तो बच्चे O2 इज सेकंड एंड द लीस्ट स्टेबल इज O2 माइनस 1. कुछ आपने आराम से स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड कर लिया रिगार्डिंग द गिवन इंफॉर्मेशन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग in increasing order of stability molecules are lithium plus 1 lithium minus 1 Li2. भले आप लिथियम का फाइंड कर लेते हैं जी, तो लिथियम आपका ग्रुप नंबर 1 में आता है इन द पीरियोडिक टेबल और ये आपका s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 and 2s1, तो ये आपका s1 में प्रेजेंट है. तो आप चेक करना अगर आप इलेक्ट्रॉन फाइंड कर दो लिथियम के, तो लिथियम के बच्चे s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चे टोटल बने आपके 2 इलेक्ट्रॉन. जब आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ध्यान में रखना हम क्योंकि s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, वहां हमने p ऑर्बिटल की बात की थी, तो s ऑर्बिटल मैक्सिमम कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस ये आपके बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हो गए s ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग दैट इज 0/2, तो ये बच्चा आपका आंसर आया जी 2/2, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 फॉर लिथियम. इट मीन लिथियम का एक कोवेलेंट बॉन्ड लिथियम से बनना चाहिए. इन केस ऑफ लिथियम पॉजिटिव आयंस s, लिथियम के s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, सेकंड s में एक इलेक्ट्रॉन, और प्लस मींस आप 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस करें तो बच्चा आपके बने टोटल 1 इलेक्ट्रॉन. So we say bond order equal to bonding का electron s orbital maximum 2 आते हैं, यहाँ पर total 1 electron है, आप लिखोगे 1 minus 0/2 that's equal to 1/2. For bond order comes out to be 1/2 for lithium positive ion. In case of lithium negative ion we find the bond order how, again बच्चे लिथियम के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड s ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन और 1 चार्ज है, तो ये बच्चा आपका बना टोटल 3 इलेक्ट्रॉन. s ऑर्बिटल के मैक्सिमम बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पीछे बचे जी आपके पास 1 एंटी बॉन्डिंग के लिए बाय 2, तो आंसर कम्स आउट टू बी 1/2. ये बच्चे हमारे पास निकला बॉन्ड ऑर्डर 1/2. अब बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे सीखना है. अब प्रॉब्लम ये है और जब हम इसको अरेंज करेंगे इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, तो बच्चे प्रॉब्लम आपको देखना पड़ेगा इस जगह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इन्होंने कहा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर, तो वी हैव टू शो द इंक्रीजिंग ऑर्डर. आउट ऑफ दीज थ्री जिसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर आएगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ लार्ज होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो आप चेक करना लिथियम का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इन दोनों का 1/2, उसका मतलब लिथियम इज द मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज टू. ना बच्चे अब लिथियम 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर और लिथियम 2 नेगेटिव दोनों का सेम बॉन्ड ऑर्डर आ गया,
तो बच्चे एक पॉइंट याद रखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए फिर आप क्या करते हो, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज सेम सेम देन द सब्सटेंस इज स्टेबल इफ देयर आर लेस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके लिथियम टू आए, लिथियम टू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आए, इसका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया। अब आप ये देखोगे इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेस हैं, तो आप चेक करना ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के या एंटी बॉन्डिंग। तो लिथियम टू आयन के एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं और लिथियम टू नेगेटिव आयन के एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो किस में लेस है, लिथियम टू आयन में लेस है। तो लिथियम टू आयन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू लिथियम 1 आयन, इट मीन द मोर स्टेबल आउट ऑफ दीज थ्री इज लिथियम with reference to stability order। Then lithium 2 ion, क्योंकि इसके anti bonding में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके anti bonding में 0 इलेक्ट्रॉन, तो least stable is lithium 2 negative।